नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार में पंचायत चुनाव ने राज्य का राजनीतिक पारा गर्म कर दिया है। राइस न्यूज अपने दर्शकों को बिहार पंचायत चुनाव पर खास कार्यक्रम लेकर आया है, जिसमें भावी प्रत्याशियों से साक्षात्कार किया जा रहा है, साथ ही जनता से उनके बारे में राय ली जा रही है। आज एराइज न्यूज की टीम पहुंची गोपालगंज की सेमराव पंचायत, जहां से अंबिका सिंह भावी सरपंच प्रत्याशी हैं। अंबिका सिंह के प्रतिनिधि शशि कपूर सिंह कहते हैं कि अगर पंचायत के लोगों ने उन्हें आशीर्वाद दिया तो वो पंचायत में ग्राम कचहरी को मजबूती देंगे। नमस्कार, मैं हूं रूपेश कुमार, एराइज न्यूज में स्वागत है आपका। आज गोपालगंज जिला प्रखंड हथुआ पंचायत सेमराव में पहुंचे हुए हैं। यहां पे भावी सरपंच प्रत्याशी के सामने मैं मौजूद है। यहां का प्रतिनिधि मेरे सामने खड़े हैं, इनसे आप परिचय जानना चाहेंगे। अपना नाम बताएं। शशि कपूर सिंह जी, ग्राम चांदपट्टी पंचायत राज सेमराव जी। यहाँ के मेरे चाचा श्री अमका प्रसाद जी भावी सरपंच प्रत्याशी जी। आपके पंचायत में चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है? पंचायत का जो फैसला है वो सही ढंग से फैसला हो, जो पंचायत सरपंच का जो पद है, जो उसका भी पावर है, उसका सही ढंग से इस्तेमाल हो और जनता को न्याय मिले जी। क्या आपकी बार आपके 5 साल वर्तमान सरपंच साहब रह चुके हैं, क्या अभी तक अपने पंचायत के न्याय दिलाने का काम किए हैं आपके तरफ? हमारे सरपंच साहब जो थे वो 3 साल रहे हैं जी। उनकी मृत्यु हो गई। जो उप सरपंच है वो है इस समय सरपंच के पद पर और कोई कार्य नहीं करते हैं, किसी जनता की बात नहीं सुनते हैं जी। क्या आपकी बार अपने पंचायत में भावी सरपंच से चुनाव आपने जीतेंगे, क्या आपने गरीब मजदूर को किस तरह न्याय दिलाने का काम करेंगे? एकदम उनकी जो हक है उनकी हक के लिए हम एकदम लड़ते रहेंगे, हर क्षण उनकी न्याय दिलाने की प्रयास करेंगे जी। उनको जो भी उनका हक है उनको हम दिलाएंगे। किस तरह का हक का काम करना चालू करेंगे अपने पंचायत? जैसे मानिए कहीं झगड़े हुआ है, जिसका हक है, अब वहाँ पर कोई अमीर है कोई गरीब है, तो नहीं, जिसका हक होगा जायजन उसी को दिया जाएगा, उसमें जो भी पंचायत होगा। किस तरह से काम आप करेंगे? सबको बैठा कर राय से समझा बुझा कर उसको हम निर्णय करेंगे जी। कोरोना जैसा महामारी बीमारी में आपने किस तरह से अपने जनता के प्रति सुझाव देने का काम किए हैं? हमने हमेशा जनता को सुझाव दिया है कि आप बच कर रहिए, मास्क लगा कर रहिए, साबुन से दिन में हाथ धोइए, कहीं भी जा रहे हैं तो आकर साबुन से हाथ धोइए। यहाँ पर सैनिटाइजर तो सभी लोग जानते नहीं है, देहात है प्योर, आप देख रहे हैं एकदम देहाती एरिया है, तो यहाँ पर हम लोग वही सुझाव देते हैं जो देहात में संभव हो सके। क्या आपकी आपकी बार आपको लग रहा है क्या आपके सरपंच के पोस्ट पर आप आएंगे तो सारे लोग न्याय दिलाने का काम करेंगे जी? 100% न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। अभी तक आपके पंचायत में कितने लोगों के कोरोना जैसे महामारी बीमारी में कितने वैक्सीन लग चुका है, इसके आप सर्वे कर चुके हैं? लगभग 35-40% लग चुका है। अभी कुछ बाकी है, उसके लिए आपका आपने जनता के क्या सलाह दे चुके हैं? जागरूक कर रहे हैं उनको जी, सुई लेने के लिए जागरूक कर रहे हैं। कोई कई तरह का अफवाह फैला हुआ है जिसको हम लोग दूर कर रहे हैं, उसको सुलझा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लोग तो इस समय काफी जागरूक हो चुके हैं हमारे पंचायत के, वैक्सीन लेने के लिए लाइन में लग रहे हैं, वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है। हम लोग जगह जगह फोन करके पता करते हैं कि कहाँ आज वैक्सीन आ रहा है, उसको मैसेज हम लोग जनता को पहुँचाते हैं कि वैक्सीन यहाँ पर है, आप जाइए यहाँ पर उसको लीजिए। मेरे सामने यहाँ पे भैया जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। अपना नाम बताएं। मंटूर है मेरा नाम हुआ जी। अभी भावी सरपंच के पोस्ट पे आपने चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी आप लोग कर चुके हैं, क्या आपको लगता है पब्लिक को किस तरह से न्याय दिलाने का काम करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ बड़े छोटे ऊंच नीच की कोई बात नहीं रहेगी जी। अगर कोई गरीब ही आदमी हो उसे ऊंचे तबके के लोग परेशान कर रहे हैं, चाहे ऊंचे तबके के ही लोग हैं जी। गरीब जो है बेवजह उसको परेशान कर रहा है जी। उसको जो हम सही रास्ते सामाजिक स्तर से लोग को दो चार आदमी बैठ करके जो भी उसका उचित निर्णय होगा हम लोग उस पर निदान करेंगे जी। हम लोग जो है पूरी जनता हम लोगों के साथ है और जनता के आशीर्वाद जनता के सलाह से जो है इस बार निर्णय लिया गया है और जनता हमारे साथ आती है इस बार। अगर मौका देती है तो जनता को एकदम सही रास्ते पर हम लोग चलने का एकदम काम करेंगे जी। लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा जी, एराइज न्यूज में जनता के प्रति अपने पंचायत में क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता से यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी से अपील है, आग्रह है कि इस बार जो हमारे भावी प्रत्याशी हैं उनको मौका दिया जाए और मौका देकर के उनको सेवा का देखा जाए कि वो कैसे सेवा करते हैं। मान लीजिए कि लंबा कार्यकाल हुआ है, एक सेवा का मौका दें और मौका दें जनता के हित में जो है अच्छा हम लोग काम करें। यहाँ पे बार बार अपील किया जा रहा है, यहाँ पे भावी सरपंच के रूप में यहाँ पे पब्लिक और जनता मांग कर रही है आपके पास चुनाव को बदलना है, ऐसे न्याय दिलाने का ये लोग काम करने का पूरे दावा कर रहे हैं। मेरे सामने यहाँ पब्लिक मौजूद है, इनसे हम परिचय जानना चाहेंगे। अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम कृष्ण कुमार सिंह है। क्या आपकी बार अपने पंचायत में भावी सरपंच को किस तरह से देखना चाहते हैं?
भावी संपर्क को लोग चाह रहे हैं जिताने के लिए, देख रहे हैं लोग। जी जी, सब लोग चाह रहे हैं, इनको कह रहे हैं कि चलिए खड़ा होइए, जीतिए, वोट देंगे। जी जी जी, क्या है, जीतेंगे तो गरीबों को देखेंगे, दम देखेंगे। जी जी, न्याय देने के काम करेंगे। हाँ हाँ, न्याय दिलाने का काम ही करेंगे, पहले भी करते थे अभी करेंगे। अपना नाम बताएं। पवन कुमार पंडित। पवन कुमार पंडित जी, क्या आपकी भावी सरपंच के रूप में आप लोग अभी बदलाव करेंगे कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, किस तरह से बदलाव आप लोग चाहते हैं? आपने, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी प्रत्याशी जीते वो अच्छा काम करे, इससे पहले जो प्रत्याशी थे उनसे अच्छा काम करे। आपसे एक चीज बताना चाहेंगे कि जो ये भावी सरपंच प्रत्याशी के जो हैं शशि कपूर, जो हमारे मित्र हुए, वो आपको 2011 से लेकर के 2016 तक जो है वार्ड सदस्य के पद पर रहे हैं, अच्छा काम किए हैं। उनके पहले जो है 2006 से लेकर के 11 तक हमने भी जो है पंचायत में एक छोटा प्रतिनिधि होने का काम किया। हम भी इस पंचायत से 2006 से 11 तक जो है वार्ड सदस्य रहे हैं, बढ़िया काम हुआ है। अपने यहाँ हम विद्यालय के लिए जमीन डोनेट किए हैं, जिसमें हमारे परदादा ध्यानी पांडे के नाम से, ध्यानी पांडे नौशहीद प्राथमिक विद्यालय के नाम से जो है चलता है। जितना भी हम लोगों के अधिकार क्षेत्र में जो हो सके, अब एक वार्ड सदस्य की हैसियत और क्षमता आप समझ ही सकते होंगे, उससे हम लोगों ने बढ़ चढ़ के काम किया। यहाँ पे देखा जाए, जनता आपकी बार पंचायत में बदलाव लाने की यहाँ पे कोशिश कर रही है। अभी भावी सरपंच का पोस्ट पे यहाँ पे बदलाव देने की काम करेगी जनता। यहाँ पर बार बार अपील किया जाता है, अब की बार एक बार जनता इनको आशीर्वाद देकर जिताने का काम करेगी। ये गरीब मजदूर को न्याय दिलाने के काम करने की दावा कर रहे हैं। यहाँ पे जनता भी बोल रही है, अब की बार हमने माइंड बना चुके हैं, यहाँ पर बदलाव जरूरी है।